जी नाज़रीन, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं नसीर इंटरनेशनल वॉलीबॉल एकेडमी में, और आप देख रहे हैं कि बच्चे की ट्रेनिंग स्टार्ट है। और अभी हम मिलते हैं चौधरी नसीर साहब से और उनसे पूछते हैं कि आज वो बच्चों को कौन से वाला स्टेप दिखाने जा रहे हैं, कौन सा उनको दाव और पेज सिखलाने जा रहे हैं। अभी उनसे हम पूछते हैं और आगे चलते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम लोग स्मैश की ट्रेनिंग करवाएंगे। जो ड्रिल है उसको टेक्निक जो है ना, हिटिंग पॉइंट और उसका स्टाइल जो स्टेप हैं वो बताएंगे इंशाल्लाह। तो आप हमारी वीडियो को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और टेक्निक देखें स्मैश की, टेक्निक के किस तरह स्मैश की जाती है। बच्चे वार्म अप हो रहे हैं और अभी ये अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, और आप देखेंगे अभी ये स्मैश की टेक्निक आज दिखाई जाएगी कि सबसे जो वॉलीबॉल में अहम चीज़ है वो स्मैश करना है, और जो बेहतरीन स्मैशर होता है वही टीम का विनर होता है, उसी से टीम फाते होती है। अभी आपने देखना है कि कैप्टन नसीर अहमद बच्चों को स्मैश की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जा रहे हैं, और स्मैश कैसे करनी है ये बच्चों को अब सिखाया जाएगा। जी देखें, स्मैश की क्लास शुरू हो रही है। जी शाबाश, वेल डन। देखो बच्चे पीछे से जंप लेके आ रहे हैं और कप्तान की हिदायत के मुताबिक बॉल लगा रहे हैं। अब चूंकि दोनों ने गलती की है, अब कप्तान साहब ने आ गए और उनको समझाना शुरू किया। ये देखें, अब ये देखें, यूं जंप लेना है। अरे वाह, ये देखें, और ये वो स्मैश थी जिसे दुनिया देख के घबराया करती थी। आज इन बच्चों को वही स्मैश का तरीका सिखाया जा रहा है। ये देखें, यूं बता रहे हैं कि यूं आना है और ये जंप लगाना है। वाह, देख रहे हैं। और ये बड़ी बात होती है कि एक फनकार अपना फन दूसरे में ट्रांसफर जब करता है, ये बच्चों में ये चीजें वेरी गुड, और बच्चे इसी से लर्न करते सारी चीजें ना। अब यकीन जाने ये बच्चे, अभी इनको बहुत थोड़े दिन हुए यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए, और ये एक अच्छे खिलाड़ियों की मानंद काम कर रहे हैं। बिल्कुल एक जैसे आप स्कूल की क्लास कहते हैं, टीचर बच्चों को सिखाता है, एक टिप्स दिखाना होता है, सिखाना होता है कि आपने यूं साइड लेके आना है और यहाँ से जंप लेना है और यहाँ से बॉल को हिट करना है, और यही बच्चों की कामयाबी है इसमें। नाज़रीन, हर गेम में हर जो पार्ट है वो अपनी जगह एक ख़ास अहमियत का हामिल होता है, और वॉलीबॉल गेम में जो मेन चीज़ है वो स्मैश है, और जितनी खूबसूरत तरीके से स्मैश लगाई जाएगी दूसरी टीम पर उसका उतना ही रोब होता है, और बेहतरीन स्मैशर जो है वो अपनी टीम को जितवाने के लिए एक बेहतरीन कारगर साबित होता है। अब देखें क्या खूबसूरत बच्चे ने बॉल लगाया है, और ऐसे ही ये ट्रेंड होंगे। कल को जब ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होंगे तो यकीन जाने इन्हें नसीर अहमद याद आएंगे। तो
ये वो नर्सरी तैयार हो रही है जिन्होंने कल को पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है। और नाज़रीन आप देख सकते हैं ये अभी कुछ दिन की ट्रेनिंग का नतीजा है, अभी चंद दिन हुई हैं ट्रेनिंग को स्टार्ट किए हुए। और आप देखें बच्चों का कॉन्फिडेंस देखें, उनकी गेम देखें, ठीक है। अब जो ये स्मैश होगी ये यूँ समझ लें कि बिल्कुल दरमियान से इन्होंने शॉर्ट टाइम पे बॉल गुनगाना है। पहले वालों के पास टाइम था कि वो दूर से आ रहे थे और बॉल बना था और उसको हिट कर रहे थे, अब इन्होंने शॉर्ट टाइम में कैसे हिट करना है वो आपने तकनीक देखनी है। ये देखें बिल्कुल साथ ये इन्होंने निशान लगा दिए हैं कि यहाँ से जंप लेना है आप लोगों ने। पहले वालों के पास ये ऑप्शन थी, वेरी गुड। और देखो क्या खूबसूरत उसने जंप लगाया, ये बता रहे हैं कि उठना कैसे है, जंप कैसे लेना है, हिट कैसे करना है बॉल को। बिल्कुल शॉर्ट टाइम में आपने जंप लेके इसको हिट करना है। ये भी एक स्मैश है और उसी तरह की स्मैश है, मगर पहले वाले यहाँ से जंप लेके जा रहे थे, यूँ जंप लेके वो जा रहे थे इस तरह कार्नर से, अब बिल्कुल दरमियान से जंप लेके उन्होंने हिट करना है बॉल को। वेरी गुड।